हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 10 के आसपास ही हो रहे हैं, 10 से ऊपर ही हो रहे होंगे। मतलब मेरी बेटी को मैंने स्कूल छोड़ दिया है, हस्बैंड चले गए हैं, फिर बेटे को मैंने खाना खिलाया, उसको आज मैंने नहलाया था, बहुत गंदा हो गया था, फिर मैंने उसको नहला दिया। आज नहला के फिर उसको सुला उला दिया, तब मैं काम में लगी। समझ भी नहीं आ रहा काम कहाँ से चालू करूँ, काम घर तो पूरा फैला रहता है। तो मैंने सोचा चलो पहले सब्जी, हस्बैंड कल रात को लेके आए थे थोड़ी बहुत, तो मैं सोचा चलो पहले उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो वही समय फ्रिज में थोड़ा उसको सेट कर रही हूँ। टमाटर लाए थे, लौकी, कुंदरी, ये सब कुछ सब्जियाँ लेके आए थे, तो वही सब सेट पेट कर रही हूँ फ्रिज में। हस्बैंड को आलू बोला था, आलू लेके नहीं आए। अब आज बोलूंगी दोबारा से तो आलू लेके आएंगे, शायद आलू नहीं है घर पे, खत्म हो रखा है। घर में सामान तो हमेशा खत्म ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, सबके घरों का खैर लगभग यही होता होगा, मेरा भी यही है। फिर कुछ सब्जियां मैं साथ साथ में निकाल भी रही थी कि शाम के टाइम जो बनाऊंगी, मतलब मैं कुंदरी फिर निकाल ली कि उसको धो दूंगी, धो के रख दूंगी तो कल बनाऊंगी मैं, उसको निकाल रही थी। थोड़ी भी कुंदरी निकाल ली, कल की पत्ता गोभी रखी हुई थी वो ले ली मैंने, मतलब कटी हुई थी 2-3 दिन वो रखी थी, तो वो निकाला कि शाम को पत्ता गोभी बनाऊंगी। कुछ कुछ सब्जियां लेके मैं अपना निकाल ली फ्रिज से। फिर तब तक मैंने सारा झाड़ू पोछा, बीच में मेरा बेटा भी 2 बार उठा, उसको सुलाया उलाया, फिर सारे बर्तन ढेर पड़े थे किचन साफ किया, सारे बर्तन धो धा के, फिर जो कुंदरी निकाली थी, पत्ता गोभी निकाली थी, अदरक मैंने निकाला था, अदरक में बहुत मट्टी हो रखी थी, मतलब लाए थे जो, तो फिर मैंने उस सबको क्या किया, कुंदरी को धो के साइड में रख दी, फिर अदरक में बहुत ज़्यादा मट्टी थी तो वो भी धो धा के, और उसको थोड़ी सी ड्राई करके ही फ्रिज में रखूँगी, ताकि बनाते टाइम से चाय वाय बनाओ तो मट्टी मट्टी नहीं होनी चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी में नहीं होता, इसलिए मैं धो के उसको उसे ड्राई करके ही फ्रिज में रखूँगी। और फिर पत्ता गोभी थी, फिर पत्ता गोभी को भी धो के थोड़ी छान के रखती हूँ। मैं पत्ता गोभी को लगभग पहले ही धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सूख जाती है ना तो पानी कम छोड़ती है। मुझे पत्ता गोभी मुझे ज़्यादा पानी वाला पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सूखा ही पसंद करती हूँ। हालाँकि मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है खाने में, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों ले आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने क्या किया, सब्जी उब्जी धो के फिर फटाफट गई, फिर नहाया। नहाने से पहले मेरा बेटा फिर एक बार उठा था, फिर मैं उसको सुला उला के फिर दौड़ के गई, उन्हें नहा लिया। हमारे यहाँ नहाने के बाद थोड़ा सिंदूर उन्दूर लगा लेते हैं, सुना नहीं रखते, तो मैंने थोड़ा वही मॉइस्चराइजर लगाया है, सिंदूर लगाया थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरे को आज मंदिर साफ करना था, मंदिर बहुत गंदा हो रखा था, मतलब त्योहार भी आने वाला है तो मंदिर बहुत गंदा था, तो मैंने सोचा आज मंदिर ही साफ करूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बस वही मंदिर का सारा सामान वामान निकाल के ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बहुत रियल में बहुत गंदा हो रखा था। काफी देर से सफाई नहीं कर रखी थी मंदिर की, और बहुत देर से पूजा भी मैंने नहीं की थी, हस्बैंड ही पूजा कर रहे थे क्योंकि मुझे छूना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा नहीं आज तो मंदिर की सफाई करेंगे, तो वही सारा सामान वामान निकाल निकल के मैं मंदिर की पूरी सफाई अच्छे से करती हूँ। और जो सामान नहीं यूज़ का था ना वो हटा दूंगी, फिर पोछा पोछी करूंगी, और थोड़ा बहुत अब क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है, मुझे पता नहीं है कि कब है वैसे, लेकिन कल रात को ही मैंने देखा था कि नवरात्रि पता नहीं कब है, मैं डेट भूल गई हूँ, वाला फिर से आज फिर देखूंगी, क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो थोड़ा मंदिर भी साफ रहेगा, और फिर धीरे धीरे ही करना पड़ता है कि भाई अब वैसे तो समझे क्या कहते हैं नवरात्रि के 1 दिन पहले से साफ करते हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं टाइम मिलेगा, हो सकता है हर चीज मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो आज मंदिर मैंने किया है क्योंकि गंदा भी हो रखा था, त्योहार भी आ रहा है नवरात्रि का, तो मैं सोचा चलो आज इसको कर ही लेते हैं। अब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं नवरात्रि कब है, मुझे पहले रात को मैं फिर से देखूंगी नवरात्रि कब है, फिर उसके सामान भी लाना होगा ना पूजा करने के लिए थोड़ा बहुत, तो
यहाँ तमिलनाडु में मुझे पता है उतना नहीं मिलेगा, जौ नहीं मिलेगा, हो सकता है वो इस टाइप की चीजें नहीं मिलेंगी, मुझे पूरा कन्फर्म है होली का एक सामान नहीं मिला तो। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं घर में पूजा की, नॉर्मल भगवान का पूजा ही कर लेंगे, जैसा होगा जो मिलेगा उसी से पूजा करूंगी, इसके लिए कोई बात नहीं, भगवान श्रद्धा देखता है और तो वही है, देखूंगी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो बात की चीज है। सच बताऊं तो पूजा करने का मन नहीं करता है मेरा, क्योंकि अंदर से उतना खुशी नहीं होती है तो पूजा करने का मन भी नहीं आता, कभी कभी गुस्सा आता भगवान पे, फिर नहीं करती पूजा, फिर मन भी नहीं मानता है तो फिर वापस से पूजा करना चालू कर देती, तो मेरा यही चलता रहता है, कभी मन नहीं करता तो, लेकिन मन मानता भी नहीं है पूजा करे बिना, तो बस यही हम औरतों का। तो पहले आज पूरा अच्छे से सफाई फाई करके सेट कर दूंगी, कौन से भगवान को मानते हैं, मतलब कौन से भगवान को, मतलब सबसे ज्यादा किसको मिलते, मुझे तो शेरा वाली माँ वाकई में मुझे अच्छी लगती है, और मैं साईं बाबा को भी बहुत अच्छा, मतलब दिल से मेरे उनके लिए पता अलग से फीलिंग आती है साईं बाबा के लिए, बाकी सारे देवताओं को मैं मानती हूँ, लेकिन कहते ना एक देवता की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, तो वही मुझे शेरा। मेरा बेटा उठ ही जाता है आवाज करके, जब वो नहीं सोएगा तो टाइम भी बहुत हो गया एक के आसपास हो गया, तो कितना सोएगा वो भी, खैर बच्चा ही है, मैं तो चाहती हूँ सोए, मैं काम निपटा लूँ, लेकिन नहीं उतना नहीं सोया, मैंने उठा के लिया इसको, फिर इसको खेलने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा बहुत खेल रहा है सफाई वफाई करके, फिर मैं सोचा थोड़ा बहुत धूप बत्ती वगैरह, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर फ्रेंड मैंने सोचा चलो दिया कुछ भी ऐसा हो गया था, फिर मैं थोड़ा सा इसमें घी डाला और धूप बत्ती वगैरह नॉर्मली पूजा करी। आज मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए हैं, बर्तन वगैरह मैं कल धोऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था सब करते करते ही, तो मैं पूजा के बर्तन अच्छे से कल धोऊंगी, जैसे कि आज मैंने बस धूल मिट्टी हो गया ये सब पेपर पर चेंज करना ये सब कर लिया। और सच बताऊँ तो मेरे को इतनी कमजोरी हो रही थी ना, मतलब मैं आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लगा था मैं गिर जाऊँगी भूख के मारे, मतलब रात को भी कल खाना नहीं खाया था, तो मैंने जाके सबसे पहले मैंने जाके रोटी खाई, और सच बताऊँ तो रोटी के साथ सब्जी नहीं थी मेरी, मैंने अचार के साथ और दही वड़े के साथ रोटी, अब ये भी नहीं मानूंगी, मुझे इतनी भूख लगती थी कि सब्जी बनाने का भी वेट नहीं कर सकती, और मतलब लगा था कि मैं गिर ही जाऊँगी, तो मैंने जैसे जैसे वो रोटी खाई फिर खा के बेटे को थोड़ा शांत बंद कराया, बेटा भी बोला कि मैं तो बेटे आने का टाइम होने वाला है, दो से ज़्यादा हो गए थे, ढाई बजने वाले थे, बच्चे करते फिर करते बेटे को चुप कराते, मैं बहुत सारा टाइम हो गया था, फिर मैंने फिर नहीं बहुत टाइम हो गया, फिर मैंने एक तरफ दाल एक तरफ चढ़ा दी थी, फिर मैंने आई पत्ता गोभी काटा, और थोड़ी सी पत्ता गोभी पहले की थी थोड़ी और काटनी थी, बहुत कम लग रही थी मुझे, फिर प्याज वाज टमाटर सब काट कूट के बीच में फिर दोबारा बेटे को चुप कराया, मतलब ऐसे ही करना पड़ता है बीच बीच में, मुझे कुछ कुछ करना पड़ता है फिर बेटे को देखना पड़ता है, ऐसे ही करते तो काट कूट के बीच में चली गई थी, फिर मैंने कहा टाइम होने वाला है बेटी जाने का, तो मैंने फटाफट पत्ता गोभी को तड़का मार दिया, वो धीमी आंच पे ही बनती रहेगी, क्योंकि मैं धीमी आंच पे ही छोड़ देती हूँ, पकती रहती है एकदम, मतलब मुझे जैसे, फिर मेरी ना थोड़ी पालक पीसी हुई पड़ी हुई थी, काफी टाइम से पड़ी थी दो तीन दिन से, तो वो ऐसी पीसी हुई रखी हुई थी उबाल के, और मैंने सोचा कि जरा सी थी, फिर मैंने सोचा कि वो फेंकने से सही है छोटी, फिर दूसरी कढ़ाई में मैंने एक तरफ क्या किया प्याज टमाटर वगैरह से ही उसको तड़का मार दिया, थोड़ी सी अलग से हल्की सी सब्जी बन जाएगी पालक वाली, तो बस मैंने वही पालक की सब्जी वब्जी बनाई है, फिर मैंने उसको बनाने के बाद वो खाली वाली करके फिर बर्तन उर्तन धो दिए मैंने,
बर्तन में धोती ही रहती हूँ, मतलब पूरा दिन बर्तन होते हैं, कभी ये धोया कभी वो धोया कभी वो धोया, और इकट्ठे करने लगूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब तक मेरी बेटी का आने का टाइम हो गया था, दौड़ के गई, बस आया, मतलब बस आज लग रहा है 5-10 मिनट पहले ही आ गई। फिर मैं दौड़ के गई तो फिर बेटी को लेके आई, फिर बेटी को देख कपड़े चेंज करने बैठी तो लड़की ने भैया एक तो स्कूल में उसने कोई खाना नहीं खाया था, फिर जब मैं गर्दन देखी तो बहुत मैल था जिसकी गर्दन में, मतलब 2-3 दिन से नहीं नहाई थी। फिर मैंने बोला नहीं इसको तो आज मैं नहलाऊंगी कुछ भी हो जाए। फिर मैं फटाफट गई उसको नहलाया, नहला के उसको कपड़े वपड़े पहना दिए, उसे सब कपड़े करते हो गए, फिर मैं बेटे को खाना उन्हें खिलाऊंगी, फिर बेटे को खाना खिलाऊंगी, फिर शाम को जो सब्जी चढ़ा रही थी सब्जी देखती रहूंगी बीच बीच में, फिर वही सब शाम की तैयारी करूंगी। तो चलिए मेरा एफर्ट अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, चलिए मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में।